नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स में A+ ग्रेड लेके आनी है एग्जाम में। हर कोई चाहता है कि A+ ग्रेड आए लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक बराबर देख के अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और डिफिकल्टीज को व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर सॉल्व करवाएंगे तो आशा करता हूँ कि आप ऐसा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये यूनिट 1A यानी कि टेंशन मेंबर्स ये जो डिजाइन है ना स्टील स्ट्रक्चर में उसका वीडियो नंबर 11 है। और आज मैं 8 नंबर की जो प्रॉब्लम्स करने की शुरुआत मैंने की थी पिछले वीडियो में 8 मार्क की प्रॉब्लम उसी क्रम में छठा सवाल है ये प्रॉब्लम नंबर 6 है। यानी 8 नंबर के मैंने अब तक 5 सवाल किए थे पिछले वीडियो में और ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो 8 नंबर के हिसाब से एग्जाम में आ सकता है। और इसमें मैंने एग्जाम की प्रॉब्लम ही ली है। अब जरा इसको पेपर को रोक देता हूँ, इसको पॉज कर सकते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को लिखने में दिक्कत नहीं आए। तो क्वेश्चन समझ लें आप पहले। ये मैंने पूरा क्वेश्चन डिजाइन का सॉल्व किया है और आपको इसका इस प्रकार से अभ्यास करना है कि आप इसको आधे घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर लें। ये प्रैक्टिस आपको करनी है और कोशिश तो 20 मिनट की करनी है। 20 मिनट की कोशिश करोगे, दिमाग में लक्ष्य रखोगे तो आधा घंटा पहुंचेगा। हालांकि शुरुआत में जब आप ये क्वेश्चन करोगे देख के समझ के बार बार कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, हैंडबुक देखनी पड़ेगी, वो तो एग्जाम में भी देखनी पड़ेगी, लेकिन जब अभ्यास होता है ना प्रैक्टिस तो कम बहुत फास्ट होता है। शुरू हो सकता है कि आपको इस प्रॉब्लम को करने में 1.25 घंटा तक लग जाए, लेकिन चिंता नहीं करना, प्रैक्टिस से इसको आप इस टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हो। मैं तो चूंकि समझा रहा हूँ हर चीज को तो मुझे तो टाइम लगेगा और ये प्रॉब्लम समझाने में मैं सोचता हूँ वीडियो करीबन 40-45 मिनट का होना चाहिए क्योंकि हर पॉइंट को मुझे क्लियर करना है। ये 2019 स्पेशल एग्जाम आई हुई है वार्षिक पद्धति में। आपको जो मैंने PDF दे रखी है ना पेपर्स की उसमें page 29 पर क्वेश्चन नंबर 5 है। page 29 क्वेश्चन नंबर 5 पूरा क्वेश्चन आप वहां से देखें। मैंने उस क्वेश्चन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो दे रखे हैं आपको वो लिख दिए। एक्चुअली रूट ट्रस्ट का एक टेंशन मेंबर है, आपको मैंने बताया था, आपको शायद पता होगा टॉस पेपर जो है आपका फोर्थ सेम में फ्रेम हमने क्या पढ़ा था, ढांचा कह दो, फ्रेम कह दो, ट्रस्ट कह दो, ट्रस्ट को हिंदी में कैंची भी कहते हैं। रूट ट्रस्ट का मतलब जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बनते हैं फैक्ट्रीज के जो शेड्स बनते हैं उस पर छत कैंचा लगती है क्योंकि सामान्य जो बीम्स होती है ना वो उसमें काम नहीं आती है, स्पान बहुत ज्यादा होता है और विंड का लोड भी बहुत ज्यादा होता है, तो रूट ट्रस वहां पे काम में लेते हैं। और रूट ट्रस के अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं, टेंशन मेंबर भी होते हैं, कंप्रेशन मेंबर भी होते हैं, तो उस रूट ट्रस का कोई एक टेंशन मेंबर है वो आपको दे रखा है। उसकी लेंथ है 3 मीटर, टेंशन मेंबर की जो लंबाई है ना ये 3 मीटर। जब लंबाई देते हैं ना आपको, जब क्वेश्चन में किसी टेंशन मेंबर की लंबाई देते हैं तो आप ये मान के चलो आपको चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है L/R मिनिमम। आगे देखिए P दे रखा है, P
टी में कहता हूँ फोर्स को, ये दे रखा आपको 150 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन का फोर्स उस मेंबर में आ रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये लिखा हुआ है पेपर जब आप पढ़ेंगे ना उसमें देखना, एक्टिंग या वर्किंग लोड है ये, इसको कार्यकारी भार भी कहते हैं, क्रियाशील भार भी कहते हैं। वर्किंग मतलब कार्यकारी, एक्टिव मतलब क्रियाशील, इसका मतलब एक्चुअल लोड है। और हमारी जो लिमिटेड स्टेट डिजाइन की थ्योरी है पूरी, वो फैक्टर्ड लोड पर आधारित है। फैक्टर्ड का मतलब हम लोड को जो एक्चुअल पर लग रहा है ना उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से गुणा करते हैं और उसके बेस पे डिजाइन की जाती है। यहाँ ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं बहुत जोर देके इस बात को कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में वर्किंग लोड दिया है या एक्टिंग लोड दिया है या क्रियाकारी लोड जो बोलते हैं, जो कार्य कर रहा वास्तव में वो दे रखा है, तो आपको पहला स्टेप है फैक्टर्ड लोड निकालना पड़ेगा, उसको मैं टी कहूंगा, और ये होता है 1.5 × P। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, देखिएगा कोड के पेज 29 पर टेबल 4 है और उसके अंदर आपको स्ट्रेंथ वाली जो होती है ना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, वही मैंने समझाया था आपको पहले, उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डेढ़ होता है 1.5। आप इसको याद रख लें हमेशा, अगर फैक्टर लोड नहीं दिया है वर्किंग लोड दिया है तो आपको पहला पॉइंट ये होगा कि फैक्टर लोड निकालना पड़ेगा डेढ़ से गुणा करके, जो मैंने निकाल दिया 150 दे रखा था ना आपको, इसको मैंने 1.5 से गुणा किया तो ये 225 किलो न्यूटन आ गया। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आपको फैक्टर लोड ही दे देते हैं, आपको गुणित भार दे देते हैं, गुणित भार यानी कि फैक्टर लोड, उस केस में कहीं 150 गुणा मत कर देना। अगर फैक्टर लोड दे रखा है तो फैक्टर लोड आपको निकालने के लिए 150 गुणा नहीं कर, क्योंकि आपको दे रखा फैक्टर लोड, तब 150 गुणा मत कर देना, वो जो दे रखा ना फैक्टर लोड वही काम आएगा, लेकिन वर्किंग दे रखा तो आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कह रखा है कि बोल्ट काम ले रहे हैं, उस टेंशन मेंबर को गजर प्लेट से जोड़ने के लिए बोल्ट काम में ले रहे हैं 20 mm डायमीटर के, और वो जो बोल्ट है वो 4.6 ग्रेड के, नॉर्मली 4.6 ग्रेड के आपको मिलते हैं। आगे और कहा गया है वायु के कारण प्रतिबलों की प्रकृति रिवर्स होने की संभावना है, रूफ ट्रस पे विंड लोड के कारण रिवर्सिबल स्ट्रेसेस हो सकती हैं, तो उस केस में जो होता है इसका LR यानी कि तन्यता अनुपात, तन्यता अनुपात आपको मैंने समझाया था शायद वीडियो नंबर 6 में, इन वीडियो नंबर 6 कि ये जो तन्यता अनुपात होता है वो इस केस के अंदर 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली तो कोई टेंशन मेंबर होता है उसमें नॉट मोर देन 400 नॉर्मल, जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस नहीं हो। अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो ड्यू टू विंड 350, और रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस हो ड्यू टू रीजन अदर देन विंड 180 होता है। यहाँ तो आपके विंड वाला है ना, तो 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जो आर मिनिमम है उसका भाग लगाएंगे लेंथ ऑफ द मेंबर में, तो 350 से क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रखना आपको। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया एक तरह से, ये चीजें दे रखी सब कुछ। अब मैं शुरू कर रहा हूँ स्टेप्स। देखिए जब मैंने आपको डिजाइन के स्टेप सिखाए थे तो उसमें थोड़ी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बेसिक बात आपको समझ नहीं सारी। पहला स्टेप, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी, जो कुछ भी आपको डाटा दे रखे हैं क्वेश्चन में उसको देखते हुए जो जो डाटा पॉसिबल है, क्योंकि तो पूरे क्वेश्चन में काम आएंगे, बार बार हमको लिखना ना पड़े, इसलिए उसको एक साथ लिख डालिए। पहला स्टेप जो है उसमें हमने लिखा पहले तो फैक्टर लोड डेढ़ पी करके,
ये डेट भी कहां से आया कि आगे मैंने रेड चला, ये सब आपको एग्जाम में लिखना है भाई। डेट भी क्यों किया, टेबल चार पेज 29 लिखना है आपको आगे, आपके उसी पेन से ब्लू पेन से, नॉट बाई रेड पेन या ब्लैक पेन, ब्लू से लिखना है। तो ये 225 हो गया। लेंथ ऑफ मेंबर 3 मीटर दे रखी है आपको सवाल के अंदर, आप लिखेंगे 3000 mm। उसके बाद आपको क्या रखा है, बोल्ट का डायमीटर 20 mm है। बोल्ट का डायमीटर 20 कहते हैं, ये आपको होल का डायमीटर निकालना पड़ेगा, और होल के डायमीटर को डीएच कहते हैं, क्योंकि इसको डी जीरो भी कहते हैं। डीएच कितना हो जाएगा, 22 mm, 2 mm जोड़ते हैं इसके अंदर, 2 mm। ये कहाँ से लिखा, लिखो साइड में टेबल 19 पेज 73। ये जब काम करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, ये टेबल इस पेज पे रहे, वो चीज पेज पे रहे। तो प्रैक्टिस बहुत, आप पूरा जब चैप्टर कर लो तो जितने मैंने आपको पेजेस लिखा है ना अलग अलग रेड पेन से, उन सबको एक जगह लिख लो एक पन्ने पे इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहला जो पेज लिखो सबसे कम पेज, फिर बढ़ते बढ़ते, फिर देखो उस पेज पर क्या था डिटेल लिखो, ऐसे एक पेज पे सारा नोट कर लो। तो आप ये दिमाग बैठ जाएगा, हमको जब टेंशन मेंबर का सवाल करना है तो भाई इस पेज से लेके उस पेज तक हमको देखना है, वो ऑटोमेटिकली आपको हाथ से 2 पेज हो जाएगा। तो टेबल 19 पेज 73। अब FUB अल्टीमेट टेंसर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, चूंकि 4.6 ग्रेड का है बोल्ट, तो ये 400 हो जाएगी, 400 Nm/mm स्क्वायर FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। FU अल्टीमेट टेंसर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये होती है 410 Nm स्क्वायर फॉर ई 410 स्टील। ये देखिए, हालांकि इसमें कोई दिया नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सा स्टील है, लेकिन सारा स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन जो होता है वो Fe 410 ग्रेड स्टील से होता है। और वैसे भी पेपर में लिखा होता है कि अगर कोई वैल्यू आपको नहीं दी है उचित मान स्वयं मान लीजिए, ऐसा लिखा होता है पेपर में। तो आपने Fe 410 ग्रेड स्टील मानते हुए Fu ले लिया 410 Nm/mm2। Fy उसी स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस 250 Nm/mm2 होती है। फिर आपको पता है गामा एमबी और गामा एमएल के मान भी हमको कई बार लिखने मतलब लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो गामा एमबी का मतलब होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल, ये हमेशा अपन लेते हैं 1.25, ये टेबल 5 पेज 30। और गामा एमएल जो है ये 1.25, गामा एमओ 1.1, ये सारी चीजें गामा एमबी, गामा एमएल, गामा एमओ, ये सब आपको टेबल 5 पेज 30 में मिलेंगे। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर तो ये 1.25 1.25 1.1, ये आपने पहले ही पेज पर लिख दिया। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी गजर ब्लेड की थिकनेस के बारे में नहीं कहा गया है, इसमें गजर ब्लेड की थिकनेस के बारे में नहीं कहा गया है। अब चूंकि लोड ही कोई ज्यादा नहीं है, 150 किलोन्यूटन कोई ज्यादा लोड नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में कह देते हैं कि डिजाइन ए सिंगल एंगल टेंशन मेंबर, तब तो आपको सिंगल ही करना है, लेकिन कई बार कुछ कहते ही नहीं है, ये आपको तय करना है कि सिंगल करना है कि डबल करना है। तो आप कोशिश कीजिए, सिंगल एंगल सेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप जब तक विशेष रूप से नहीं कहा जाए कि डबल एंगल करना है, तब तक आपको डबल एंगल नहीं करना चाहिए, सिंगल ही करना चाहिए। डबल एंगल तो क्या होता है, बहुत ज्यादा लोड हो 700, 800, 1000 ऐसे किलोमीटर तो डबल काम आता है। नॉर्मली 150, 200, 250, 300, 350 तो सिंगल से काम चल जाता है। और सिंगल एंगल सेक्शन लेते हैं ना तो गजर ब्लेड आप लीजिए 12 mm मोटी, गजर ब्लेड की जो मिनिमम मोटाई ली जाती है 12 mm ली जाती है। लेकिन अगर डबल एंगल लेना पड़ जाए आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको डबल एंगल टेंशन मेंबर यूज करना पड़ जाए तो गजर ब्लेड कभी भी 12 मत लेना, 10 या 14 ली जाती है। और मैंने आपको राय दी थी पिछले वीडियो में, आप 14 लीजिए। कारण क्या कि 14 mm के लिए आपको डाटा मिल जाएंगे टेबल के अंदर, हैंडबुक के अंदर, 12 के लिए नहीं मिलेंगे, वो गैप होता है ना दो एंगल के बीच का, नहीं मिलेंगे 12 के लिए।
यहाँ तो चूंकि हम सिंगल एंगल ही डिजाइन कर रहे हैं ना, तो 12 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ लिख दिया शुरू में, लेट गजेट प्लेट थिकनेस 12 mm। ये सब डाटा हमने या तो जो दे रखे थे ये हमने एज्यूम कर लिया। ये सब बातें पहले स्टेप में आ जानी चाहिए, यानी जब कभी डिजाइन का सवाल करते हैं ना, तो पहले स्टेप में वो सभी डाटा लिख दो जो आपको दे रखे हैं या जो आप एज्यूम कर रहे हो, ताकि पूरे पेपर में आता है कि पूरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम बार बार इन चीजों का उल्लेख नहीं करना पड़े। अब दूसरा, यहां मैंने आपको तो आप पहले तो चेक कर लो इसको, देखिए मैं अब तक इसको लिखने में दिक्कत नहीं है आपको, बल्कि ना आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। रोक दिया मैंने इसको, नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड। अब देखिए अपन टेंशन मेंबर में बोल्ट की जरूरत पड़ती है मेंबर को गजेट प्लेट से जोड़ने के लिए, या वेल्ड की पड़ती है। आपको इसमें सवाल के अंदर बोल्ट वाला कह रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा राय दूंगा कि मेरा वीडियो नंबर 2 जरूर देखें आप, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरा वीडियो नंबर 2 देखें पूरा। ये वीडियो नंबर 11 है ना, और वीडियो नंबर 2 में मैंने बहुत समझा रखा है बोल्ट के बारे में, कि भाई बोल्ट की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, एक बोल्ट कितना लोड ले सकता है शीरिंग में, कितना ले सकता है बीरिंग में, और जो उनमें से कम होगा वो उस बोल्ट की वैल्यू होगी, और बोल्ट की वैल्यू जब निकलेगी तो आप ही पता लगा पाएंगे कि कितने बोल्ट आपको चाहिए। तो नंबर ऑफ बोल्ट लीजिए ना, वीडियो 2 देखें आप। यहाँ मैं कोई भी चीज लिखूंगा आपको रेफर कर दूंगा पेज नंबर। तो पहला पॉइंट, यानी जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, जो मैंने स्टेप लिखवाया था ना आपको टेंशन मेंबर के अंदर, मैंने थोड़ा चेंज किया उसके अंदर। 2, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड। कारण क्या कि हमें जो लोड ट्रांसफर करना है टेंशन मेंबर से, वो हमको पता है एक बोल्ट कितना लोड ले सकता है, अगर ये पता लगा ले तो बोल्टों की संख्या आ जाएगी, और जब बोल्टों की संख्या आ जाएगी ना, तो हमें बहुत सारे जो चेक लगाने होते हैं अलग अलग केसेस के अंदर, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, वरना दिक्कत आएगी। इस दूसरे स्टेप के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। हम बोल्ट की निकालेंगे शेयरिंग। अच्छा देखिएगा, बोल्ट की स्ट्रेंथ जो शेयर में होती है वो ध्यान रखना पड़ेगा, या सिंगल शेयर है कि डबल शेयर है। क्योंकि सिंगल एंगल ही लगा रहे अपन ना, तो सिंगल शेयर होगा। अगर डबल एंगल लगाते और एक एंगल गजेट प्लेट के इधर और एक उधर करते तो डबल शेयर होता। अच्छा, डबल एंगल में हमेशा ध्यान रखना, गजेट प्लेट के एक इधर लगाना एक उधर लगाना, और डबल शेयर काम आएगा। कभी भी गजेट प्लेट के एक ही तरफ दोनों मत लगाना, हालांकि लगा सकते हैं, स्ट्रेंथ वही आएगी, लेकिन फिर कुछ दिक्कत आएगी आपको सॉल्व करने में प्रैक्टिस नहीं होने से। क्योंकि जब आप दो एंगल बैक टू बैक गजेट प्लेट के एक ही तरफ लगाते हैं तो सिंगल शेयर होता है, उसके उसमें डबल शेयर नहीं होता, ध्यान रखना उसमें सिंगल शेयर ही होता है। तो यहाँ तो खैर सिंगल एंगल ही है, तो सिंगल शेयर ही होगा। तो डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट लिखा ना मैंने, इन सिंगल शेयर, इन सिंगल शेयर। ये आपको देखिए फॉर्मूला मिलेगा पेज 75 आर्टिकल 10.3.3 VDSB। ये VNSB अपॉन गामा MB होता है, और VNSB के लिए फॉर्मूला मैं समझा चुका था आपको, FUB into ANB upon root 3 upon gamma MB। और ये जो फॉर्मूला है ये तब बना जब हमको जो इस पेज पर जो फॉर्मूला देगा ना उसमें NN को 1 लेयर, NS को 0 लेयर, ये आपको मैंने हमेशा बता दी, यही काम आएंगे हमेशा। और उसके बाद FUB 400 पता है, ANB, ये रहा ANB का फॉर्मूला मैं बता चुका था, 0.78 pi by 4 d square। और ये जो डी है ये ध्यान देना होल का डायमीटर नहीं है, ये बोल्ट का डायमीटर है, 20 वाला काम आएगा यहाँ पे, 245.04 आ गया ANB mm स्क्वायर, यहाँ लिख दिया गामा MB 1.25 है। सॉल्व किया था आपको VDSB,
डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड शेयर वो मिल गई 45,271.65 न्यूटन। अब निकालेंगे डिजाइन बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, जिस बोल्ट की शेयरिंग में स्ट्रेंथ इतनी है उसी बोल्ट की बीरिंग में कितनी होगी। उसके लिए वही पेज 75 सेम पेज 75 ये 10.3 पॉइंट सीधा ये 10.3.4 है। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, VDPB is equal to VNPB upon gamma MB। अब इसमें जो VNPB होता है नेट से संबंधित वो होता है 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU। अब इसमें जो KB है ये सब फॉर्मूला उस पेज में मिलेगा आपको 75 पेज पर इस आर्टिकल में इस क्लॉज में। ये जो KB होता है वो इन चार में से लिस्ट होता है, या तो E upon 3D0 या D0 मतलब डायमीटर ऑफ होली है जिसको हम DH कहते हैं, या स्मॉल P upon 3D0 minus 0.25 या FUB upon FU या 1, इन चार में से सबसे कम हो। अब E जो है ये आपको मैंने बताया था 1.5D0 होता है, हम पहले से इसको उस वीडियो में कर चुके हैं। D0 यानी कि DH और DH था 22 तो 33 हो गया, ये कितना 33 हो गया ना। अब ये तो है नहीं कि 33 हो गया तो अब 33 लेंगे, इसको राउंड करना पड़ेगा, राउंड इसको हम 35 भी कर सकते, मैंने इसको 40 कर दिया। हमने जो ई है ना यानी एज डिस्टेंस उसको 40 mm मान लिया। और ये जो चीज़ है 1.5D0 ये कोड में पेज 74 आर्टिकल 10.2.4.2 पे लिखी हुई है। मैं चाहूंगा कि एग्जाम में जब कभी आप ये काम करें बिल्कुल वैसे ही करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और बिल्कुल वैसे ही लिखें आर्टिकल्स ये क्लोजेज जो मैं लिख रहा हूँ, बस लिखना आपको ब्लू पेन से ही है। और यहाँ तो क्योंकि रेड पेन से चमक रहा है ना, ब्लू पेन से चमकेगा नहीं, तो उसको आप जरूर सर्कल में कर देना ऐसे, बहुत जरूरी है। और यह लगा देना बाद में कोड लिख देना चाहो तो कोड के द्वारा रेफरेंस। अब पिच जो होता है देखिए, पिच ये मिनिमम होता है 2.5 × D, डी मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो 2.5 को 20 से गुणा किया तो 50 आया, ये मिनिमम है। आप चाहो तो 50 ले सकते हो, 55 ले सकते हो, मैंने 60 ले लिया, तो मैंने पिच जो है 60 ले लिया, यानी कि ई कितना ले लिया 40, पी कितना ले लिया 60। ये सब डाटा यहाँ रख दिया हमने, ई डी जीरो पी डी जीरो एफ यू सब कुछ। तो जब आप देखेंगे ना इन चारों को निकाल कर, तो ये एक आएगा 0.606, ये आएगा 0.659, ये आएगा 0.975 है, वो एक है ही है, और इनमें जो सबसे कम है वो 0.606 है। इसका मतलब KB कितना हो गया 0.606। अब ये जो फॉर्मूला हमारा ये वाला VNPB 2.5 KB, अब D क्या है इसके अंदर, D डायमीटर ऑफ बोल्ट, T क्या है थिकनेस ऑफ एंगल। अब यह समस्या है, अरे भाई जब आपने एंगल अभी चूज ही नहीं किया, वो तो चूज करना आपको, तो थिकनेस कहाँ से लाओगे। तो यहाँ एक बात मानेगा, मैंने आपको एक बात बताई, हम कुछ बातें एज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मली जो एंगल हम चूज करते हैं, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ 6 mm 8 mm 10 mm, कभी कभार ऐसा होता है कि 12 का यूज करते हैं। तो आप जब भी इस प्रकार का कोई कैलकुलेशन करना हो जिसमें एज्यूम, तो आप एज्यूम 8 कर लो, सबसे अच्छा तरीका ये 8 mm यूज कर लो। अब मैं 8 क्यों कह रहा हूँ कि हम 8 का तो कम से कम एंगल लगाएंगे ही, और अगर ये सेफ है 10 का अगर कभी लगाना पड़ गया इमरजेंसी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। जब 8 का सेफ तो 10 का सेफ हो गया होगा ना, मैं 8 के मान के चल रहा हूँ। तो जैसे एंगल टी की जगह और मोटाई चेंज करते हैं तो 8 जगह 10 लेंगे, तो ये यहाँ 10 आ जाएगा, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ने में कोई नुकसान नहीं है किसी की, स्ट्रेंथ घटनी नहीं चाहिए, तो हमने 8 मानी है। बाकी सब डाटा आपको दे रखे, केवी आपने निकाल दिया, तो आपको VNPB मिल गया, ये मिल गया VNPB, ये मिला आपको 99,384 न्यूटन। अब निकालेंगे VDPB जिसमें गामा एमबी का भाग लगाते हैं फैक्टर ऑफ इसके पार्ट एक्सेप्टिव फैक्टर का, तो पार्ट एक्सेप्टिव 1.25 है हम लिख चुके हैं, तो सॉल्व किया तो 79,507.2 न्यूटन आ गया, इसको बी कह दिया। एक इसको कहा था मैंने, एक कहा था मैंने इसको इसको डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ को मैंने ए कहा था,
और बीरिंग स्ट्रेंथ को मैंने बी कह दिया, और जो शीरिंग और बीरिंग से कम होती है, दोनों में से कम होती है, उसी को बोल्ट की वैल्यू कहते हैं, बोल्ट की स्ट्रेंथ कहते हैं। ये तो 79,507 है, वो आपके 45,271 थी, इतनी बात है ये कमजोर है, ये ली जाएगी। अब यहाँ एक बात बता दूं आपको, अगर यही सवाल डबल एंगल का होता और मुझे दो एंगल यूज करने पड़ते, एक गजर पेड़ के इधर एक गजर पेड़ के उधर, तो ये बजाय 45,271 के इसकी दुगनी आती, क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया जो है ना वो डबल होता है। अभी एरिया जो लिया आपने ये वाला 0.78 π/4d, इसको इंटू दो करते, तो एरिया इंटू दो करते सबको डबल हो जाता, डबल आता। उस केस में 90,000 को चला दी, और उस केस में फिर ये 79 कम पड़ के तो बोल्ट की वैल्यू ये होती, इस बात को ध्यान रखना बस। तो सिंगल शेयर में नॉर्मली जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है वो गवर्न करती है बोल्ट वैल्यू को, और डबल जब होता है शेयर उस केस में नॉर्मली, नॉर्मली कह रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं कह रहा हूँ मैं, जब कोई बोल्ट कहते ना नॉर्मली सामान्य दया, और सिंगल के अंदर जो होती है ये आपकी जो सिंगल एंगल के अंदर वो शेयर स्ट्रेंथ, ये जो बोल्ट की जो स्ट्रेंथ ना शेयर में वो काम आती है, और अगर डबल एंगल होता है तो बीरिंग वाले काम आती है एलिवेट बोल्ट की वैल्यू निकालने में। बोल्ट वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम ऑफ ए एंड बी, तो 45,271, यानी एक बोल्ट इतना न्यूटन फोर्स ले सकता है, इतना न्यूटन ले सकता है। हमें कितना लोड ट्रांसफर कराना है, 225 kN, 225 × 1000 किया न्यूटन बनाया, उसके अंदर एक बोल्ट कितना ले सकता है, उसको भाग लगाया, नंबर ऑफ बोल्ट आ गए, बोल्टों की संख्या आ गई, ये आई हमारी 4.97। 4.97 है तो 5 लगा दो, अगर ये 4.01 भी होती तो मैं 5 ही लगाता, 4.99 भी होती तो 5 लगाता, 5.1 भी होती तो मैं 6 लगाता, हमने 4.97 है 5 लगा दिए। अभी ध्यान रखना हम कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम कभी भी ये शब्द यूज नहीं करेंगे हैंड्स प्रोवाइड, नो 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 नॉट एट ऑल, ट्राई ट्राई दिस, हम ट्राई वर्ड यूज करेंगे, और जब सब चेक ओके हो जाए देन वी विल यूज द फाइनल जो वर्ड लिखेंगे हैंस एडॉप्ट दिस एंड दिस, है ना। यू फिलहाल इसलिए मैंने से लिखा है, से 5, मैंने ये नहीं कहा कि टेक 5 या एडॉप्ट 5, नो से 5, ये तो चाहिए, चलो हमने 5 मान लिया। यू अब तीसरा स्टेप, अब अपना शुरू होता है भाई कि कितना एरिया रिक्वायर्ड है, नेट एरिया रिक्वायर्ड है। देखिए मैं इस सवाल को हर प्रकार से कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े वे में, एग्जाम में कई बार आपको अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, ये आपको अभी मैं बताऊंगा। तो ये जो आपका नेट एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है AN = T/α Fu/γm, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये भी आपको पेज 33 पर मिलेगा, याद कीजिए TDN = α AN Fu/γm था, अगर आप इसे AN निकालेंगे ना तो TDN / α Fu हो जाएगा फॉर्मूला, जो मैं पहले भी समझा चुका था। ये तो चूंकि अल्फा है, अल्फा किस पर डिपेंड करता है, अगर दो बोल्ट हो तो क्या होता था 0.6, 3 हो तो 0.7, और 4 या ज्यादा हो तो 0.8, यहाँ बोल्ट 5 है तो आपको अल्फा तो 0.8 हो गया, एफ यू आपको पता ही है, गामा अल्फा पता है, टी आपको पता है, तो ये ना गया। ये देखिए ये एंगल का नेट एरिया आ गया 857.47 mm², सब डाटा रख दिया ना उसके अंदर, इतना आ गया। लेकिन ध्यान देना ये नेट एरिया है, इट इज नॉट ग्रॉस, आपको स्टील टेबल जो होते हैं ना हैंडबुक के अंदर, उस एरिया जो मिलता है ना वो ग्रॉस होता है, ये नेट है, और ग्रॉस एरिया निकालने के लिए नॉर्मली 25-40% ज्यादा लेते हैं, हम अभी इनिशियली 30% ज्यादा ले रहे हैं, तो इंक्रीज बाय 30% जो एरिया है ना इसको 30% बढ़ा देते हैं और डिजाइन और ए ग्रॉस, तो ए ग्रॉस रिक्वायर्ड इसका इससे 30% ज्यादा, यानी कि इसको 1.3 से गुणा कर दो। हम अगर किसी चीज से, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 100 से 30% ज्यादा कितना होगा, तो आप कहेंगे 130, कैसे आया, मैंने 100 को 1.3 से गुणा कर दिया,
तो जैसे ही मैं 857.47 को 1.3 से गुणा करूंगा तो उससे 30% ज्यादा आ जाएगा, वो आया आपका 1114.7 mm². अब हैंडबुक में जो एरियाज मिलते हैं एंगल क्या है वो मिलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अगर 1114.7 mm² है तो 1 cm² में होते हैं 100 mm², हमने 100 का भाग लगा दिया, 11.147 आ गया। ये दिखना चाहिए, तो हम टेबल में देखेंगे ना, हम जब हैंडबुक से देखेंगे ना तो आपके दिमाग में फिगर होने इतना एरिया चाहिए हमको। अच्छा लगे आप तो एक काम और करो, ग्रॉस एरिया भी रिक्वायर्ड निकाल लो। अभी तो हमने नेट निकाला था ना, उसको 30% से गुणा, उसको 1.3 से गुणा करके ग्रॉस निकाला। एक ग्रॉस का एक फॉर्मूला है, वो जो TDG पेज 32.2 याद है ना, उससे आपको ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड मिल जाएगा। याद होगा TDG का फॉर्मूला क्या था, FI/γm0 × A ग्रॉस, याद आ गया आपको, उससे मैंने ग्रॉस एरिया निकाला है इस फॉर्मूले से, पेज 32.6.2। सब कुछ हमने लिखे तो ये 990 mm² आया, यानी कि 9.90 cm². तो यहाँ ग्रॉस इतना आ रहा है और यहाँ हमने उसको 30% ज्यादा किया, 11 पॉइंट आ रहा है। तो अपन को ये बड़ा बड़ा ध्यान रखना है हमेशा, जैसे ये ज्यादा आता तो मैं इसको ध्यान रखकर काम करता, ये ज्यादा आ गया तो इसको ध्यान रखूंगा। यानी आपने नेट निकाला, उसको 30% बढ़ाया ग्रॉस, और ये एक्चुअल में ग्रॉस रिक्वायर्ड, इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, ये इसको ध्यान रखकर काम करेंगे। तो अब आपके सामने ये हो गया साहब के 11.14 cm² एरिया हमको चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा मेरी एडवाइस है, जब तक इक्वल एंगल कहे नहीं एग्जाम है, आपको इक्वल एंगल डिजाइन नहीं करना है, आपको अनइक्वल एंगल सेक्शन ही डिजाइन करना है। जब तक ना कहे कि इक्वल करो, ना करना। तो आप जब देखेंगे 11.147 से, अब आप जब टेबल देखेंगे ना, मैंने आपके लिए ये काम कर दिया है, देखिएगा ये पेज 14 हैंडबुक की, देखिएगा पेज 14 हैंडबुक लिखा हुआ है टेबल 4 रॉड स्टील अनइक्वल एंगल्स। तो मैंने क्या किया, आपकी सुविधा के लिए तीन जगह मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया, एक तो ये वाला एंगल 90-60-8, एक ये 100-65-8 और एक 125-75-6। मैंने ध्यान क्या दिया कि हमको रिक्वायरमेंट है 11.147 की, तो इसके आसपास एरिया मिल जाए। एक्चुअली कोई जरूरी नहीं है कि 11.147 है तो आप 11.1 नहीं ले सकते या 10.9 नहीं ले सकते, आप उससे स्लाइटली कम भी ले सकते हो, बस ये है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, चक्कर ही होता है। तो हम हमेशा नॉर्मली थोड़ा सेफ साइड चलते हैं, कुछ ज्यादा ही लेते हैं। तो 11.147 के अगेंस्ट में मुझे जो मिल रहे हैं नजदीक इसके, और ये ध्यान में रखते हुए एंगल जो है ना वो 6-8 mm का हो, 6-8-10 नॉर्मल ऐसे होते हैं, तो 90-60-8 देखा मैंने, तो इसका देखो 11.37 मिल रहा है। और वेट पर मीटर कितना है इसका, 8.9 kg पर मीटर, देखो लिखा ना आपको वेट पर मीटर 8.9 kg पर मीटर हो गया ना एक मीटर का ये। और इसका जो आर मिनिमम है वो भी काम आएगा, क्योंकि हम जब निकालते हैं ना L/R, आर मिनिमम क्या होता है, RVV सिंगल एंगल के अंदर, और RVV मिले। अच्छा ये कौन सा है, देखो यहाँ पे 90-60-8, आप जो पेज को बदलेंगे टर्न करेंगे उसमें मिलेगा रेडियस ऑफ जायरेशन। अब ये अभी तो यहाँ तो 90-60-8 दिख रहा है, पर वहां आपको ये 8 दिखेंगे नहीं, ये लाइन नंबर दो है ना, पहली लाइन दूसरी लाइन, तो 90-60 पे दूसरी लाइन देखेंगे आप, पहली दूसरी 90-60। ये देखिए आप दिख रहा है 90-60, तो ये पहली नहीं और ये दूसरी देखिए आपने, ये लाइन ये वाले, यहाँ देखिएगा आपको मिलेगा ये RX RY RU RV, और RV ही सबसे कम होता है, और इसका जो RV है वो आपको मिल रहा है 1.28 cm,
अच्छा, बाकी दो एंगल जो मैंने चूज किए ना वो या देखो 1.39 और 1.59 सेंटीमीटर, कुछ दो मैंने जो मोस्ट सुटेबल तीन लगे मेरे को वो लिख लिए थे। उन तीनों एंगल्स की आप क्या करेंगे, ये देखिएगा, एक तो 90-60-8 है जिसका एरिया है 11.37 सेंटीमीटर स्क्वायर और वेट है 8.9 केजी पर मीटर। 165-8 जिसका एरिया है 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर और वेट पर मीटर है 9.9 केजी पर मीटर। जितना वेट पर मीटर ज्यादा होगा एंगल का उतना वो महंगा होगा, क्योंकि स्टील का जो स्टील की कॉस्ट होती है ना उसकी वेट से ही होती है, वॉल्यूम से नहीं होती है। ये हो गया, एक लिया मैंने 125-75-66 भी ले सकते हैं, इसका है 11.66 सेंटीमीटर स्क्वायर और वेट पर मीटर है 9.2 केजी पर मीटर। और आरवीवी मैंने निकाला बता दिया आपको। अब जो असली काम अपना शुरू होता है यहाँ पे, मैंने क्या किया देखिए ध्यान से, मैंने ट्राई किया 165-8 एट द रेट 9.9 केजी फोर्स पर मीटर, ये मैंने ट्राई किया 165-8 और यहाँ एक मैंने चेक लगा दिया। आपको पता है ना ये आपके रोटर्स है लिखा हुआ सवाल के अंदर, जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस दे रखी है ड्यू टू विंड होती है, तो एल बाई आर जो होता है इसका 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एल आपको दे रखा था 3 मीटर यानी 3000 mm। आर मिनिमम जो इसका हमें पता है, हम लिख चुके हैं यहाँ पे आर मिनिमम शुरुआत में, देखिए 1.39 सेंटीमीटर यानी कि 13.9 mm। तो जब मैं 3000 में 13.9 का भाग लगाऊंगा तो 215.83 आएगा, जो कि 350 से ज्यादा नहीं है। ये भी मैंने रफली लिखा है यहाँ पे, नॉट मोर देन 350, यहाँ देखिए नॉट मोर देन, ये 3 ही है, ये एक मिनट, ये अगर 3 है, नॉट मोर देन 350। हालांकि चेक में बाद में लगाऊंगा लास्ट स्टेप के अंदर, लेकिन लिख में ना, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो ताकि अपन कोई बाद में, और नॉर्मली इस चेक में कभी कोई फेल होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, केवल एक फॉर्मेलिटी होती है चेक लगाने की। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा ना अदर एंगल्स, ये अदर एंगल्स भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक तो 90-60-8 एक 125-45 है, इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, इसका वेट पर मीटर 8.9 केजी पर मीटर, इसका 9.2 केजी पर मीटर, इसका आरवी 1.28 सेंटीमीटर, इसका आरवी 1.59 सेंटीमीटर। ऐसे क्या है कि जब आप कोई रिक्वायरमेंट एरिया की होती है उसको देखते हुए, मैंने बहुत शॉर्ट में काम किया, आपको थोड़ा अच्छे से सुंदर काम करिए, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप एक अच्छा सा बॉक्स बना के कॉपी के अंदर उसमें जो मोस्ट मतलब होते हैं ना जो मोस्ट प्रोबेबल, वो 3-4-5 जो भी होते हैं वो लिख डालिए, लिखना जरूरी होता है, वो ये ट्राई करेंगे ताकि अगर कोई फेल हो जाए किसी कारण से मामूली रोड से, तो आप तुरंत कह सको अगला लेंगे, बस खत्म बात, फिर आपको बार बार चेक नहीं करना है, नंबर मिल जाते हैं पूरे। तो जो भी कर लेते हो, जैसे मैंने एक तो ये ट्राई कर लिया, दो मैंने लिख दिए, मान लीजिए मेरे तो खैर मुझे पता है इससे सही आ गया था, ये एंगल मेरा सेफ आ गया था, डिजाइन मैं पूरी कर चुका था, लेकिन मैंने ये दो और लिख दिए, मैं चाहूंगा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि एग्जाम में तो हमारे पास में मतलब कि परीक्षण करने का समय होता नहीं है, लिमिटेड टाइम होता है, वहां अगर हम परीक्षण करने बैठ गए और कोई फेल हो गया तो लेनिक देने पड़ जाएंगे, आप आधा घंटा कहाँ से लाओगे एक्स्ट्रा। लेकिन घर पे तो आप राजा भोज है भाई, घर पे तो आप जितने चाहो 4-5 बार चेक करो ना चीज को, और करना चाहिए, जितना ज्यादा चेक करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आप मोस्ट इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेंथ पूरी देने वाला एलिमेंट चूज करोगे। सपोज करो एक स्टूडेंट ने ये वाला डिजाइन किया जो मैंने किया है, ठीक, जिसका वेट पर मीटर है 9.9, एक स्टूडेंट ने ये किया और एक स्टूडेंट ने ये किया, और तीनों सेफ आ गए, मान लीजिए तीनों ही सेफ आ गए, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन नंबर ज्यादा किसको मिलेंगे, सवाल है, मान लीजिए 8 नंबर का, मान लीजिए ये जो है जो सबसे
सस्ता है ये 8.9 केजी पर मीटर वाला, ये 8.9 केजी पर मीटर, ये 9.2 केजी पर मीटर, वो था 9.9 जो मैंने लिया है। अगर 8.9 केजी पर मीटर वाला भी फेल नहीं होता है, सफल रहता है आपका लोड लेने में, और किसी ने ये डिजाइन किया, तो इसको फुल मार्क्स मिलेंगे 8 में से 8। और बाकी दो ये गलत तो नहीं हो सकता है, वो 8 में 8 दे, उसको 8 में से 7.5 देते, 7 देते, गलत नहीं है ना वो, लेकिन इकोनॉमिकल तो ये है ना। तो एग्जाम में हमेशा ध्यान देना मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन और सेफ, उसको ही नंबर ज्यादा मिलते हैं। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप उसके नजदीक पहुंचेंगे। तो मैंने तो अभी एक बार ही ले लिया था, मैंने इनको चेक भी नहीं किया, मैं चाहूंगा आप लोग चेक करें इनको, वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये मत सोचना कि नंबर आपके घट जाएंगे। मैं स्ट्रिक्ट एक्शन हो तो बात करता हूँ, वैसे नॉर्मली सेफ आता है, नंबर पूरे ही मिलते हैं, क्योंकि डिजाइन के अंदर नंबर मिलते हैं स्टेप पे। और कई बार बच्चों की फेल हो जाती है डिजाइन, तो ये वो घबराते नंबर नहीं करते, नंबर मिलते हैं। 8 नंबर वाले आपको 6.5 से 7 नंबर मिल जाएंगे, क्यों? आपने स्टेप लिखे हैं, आप हर चीज को समझाया है, नंबर मिलते हैं। तो आप चिंता ना करें, नंबर हर चीज के, कभी आप चेक करते हो, आप काम करते हो और चेक में फेल हो जाते हो, आप सोच रहे क्या हो गया, उसको भी नहीं, सवाल को काट के आ जाओ, आप लिखेंगे अगले स्टेप रीडिजाइन या रीट्राई, बस। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने ट्राई किया वो गलत हो गया, ना, ऐसा नहीं होता है। तो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये ISA 100/68 लिया एट द रेट ऑफ 9.9 के जी पर मीटर, डाटा सब लिख दिया, इसके एरिया कितना है, RV कितना है। अब जब आप एंगल लेते हैं ना कोई भी, तो गेज डिस्टेंस आप ढूंढ लीजिए। आपको पता है ना पेज 168 बताया था आपको मैंने हैंडबुक के अंदर, याद कीजिए, जहां बोर्ड लगाए जाते हैं, 3 वैल्यू है AB और C। AB वैल्यू होती जब एक लैग को 2 बोर्ड से जोड़ा जाए, 2 रो के अंदर, 2 बोर्ड से नहीं, 2 रो में बोर्ड लगाए जाए। नॉर्मली हम करते नहीं, हमारे सब सिंगल रो में काम चल जाता है, सिंगल रो जब होती है तो सी वैल्यू कम आती है। और ये मैं आपको कह चुका हूँ पेज 168 पर आइए, पेज 168। तो जैसे ही आप पेज 168 निकालेंगे और जैसे ही आप 100/68 का देखेंगे, और कौन सी लेग जोड़ते हैं हमेशा, लॉन्गर लेग जोड़ते हैं 100, तो 100 mm के लिए जो सी की वैल्यू है वो आपको मिलेगी 60 mm। सी का मतलब ये होता है कि जैसे ये एंगल सेक्शन है ये, तो ये एंगल तो यहाँ लगता है ना, यहाँ पे यहाँ लगता है एंगल बोल्ट, सॉरी, सी का मतलब मेरा ये होता है ये वाली ये डिस्टेंस, इसको सी कहते हैं, वो यहां से होती है नीचे से, और ये आपको दे रखी है इसके अंदर 60। वो टो से नहीं होती है, यहां से होती है, रूट से होती है सी। आपको एक बार बता देता हूँ, 168 पेज पे याद दिला देता हूँ थोड़ा सा। पेज नंबर 168 और ये लिखा ना टेबल, रिवेट गेज डिस्टेंस, रिवेट है या बोल्ट काम आएगा, रिवेट हो बोल्ट हो कोई भी हो, तो लैग साइज कितनी है आपकी, 100 है ना, ये 100, तो 100 के लिए ये तो देखो ए और बी है, अगर एक लैग में 2 कतारों में बोल्ट लगे हों, 2 कतार इधर इधर देखो ना, अगर आप इसको इस साइड से देखोगे तो आपको एक कतार ये और एक कतार ये मिलेगी, 2 कतार में बोल्ट लगे हुए, ये है सी का मतलब सिंगल रो के अंदर एक कतार में ही है, तो सी आपको दे रही है, ये वैल्यू ए और बी है और ये सी है, और 100 की लेग के लिए सी आपका 60 mm है। और सी कहाँ से है, वहां से नहीं है, सी यहाँ से है, रूट से, वो टो के लगता है, रूट से वैल्यू सी है, ये आपको ध्यान देनी होगी। ये मैंने गेज डिस्टेंस भी लिख दी शुरू में, इसकी 60 mm, टेबल 31 पेज 168। अब साफ शुरू कर, अब सारे चेक लगाएंगे हम। पहला होता है चेक फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए चेक करेंगे, पहला TDG
कोई खास बात नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। ए जी एफ आई अपॉन गामा एम ओ, ए जी देखिए, ए जी वही 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर था, हमने 100 गुणा करके 1257 एम एम स्क्वायर कर दिया था, और एफ आई 250 गामा एम ओ जो है वो 1.1 तो सॉल्व किया, तो ये 28,000 नहीं है 285,681.8 न्यूटन आ गया। इसको बदलेंगे किलो न्यूटन में, हजार का भाग लगाएंगे, 285.68 किलो न्यूटन। हमको डिजाइन किसके लिए करना था, 225 के लिए, 225 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करना था। स्ट्रेंथ क्या दे रहा है ये, 285.68, इससे ज्यादा है ना, ओके सेफ है। यहां मान लीजिए कोई हल्का एंगल यूज करते और ये 225 था, कहीं गलती से 224.9 भी आ जाता, आपकी डिजाइन फेल हो जाती है। हमेशा सेफ साइड में चलो जी, सही दिक्कत, लेकिन हाँ आप ट्राई जरूर करना इनको, हो सकता है दोनों सेफ आ जाए, उस केस में भी जो भी सस्ता होगा वो आपके लिए सबसे अच्छा नंबर रहेगा, लेकिन सेफ होना जरूरी है। दिया गया आपका, ये पहला हो गया। अब दूसरा, दूसरा क्या होता है, टीडीएन, नेट एरिया के आधार पर निकालते हैं अपन रप्चर में। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, 0.9 ANC, सब कुछ पता आपको, ये पेज नंबर, ये आपका ये पेज 33, 6.3.3 कई बार कर चुके हैं, मुझे बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसमें ये फिगर बना के ये फॉर्मूला लिखना है, लिखा हुआ पेज का 33 पेज पर 6.3.3 लिखा हुआ है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से फोटो खींच लो आप पहले, तो मतलब आप रख लो ताकि आपको चेक करने में दिक्कत नहीं आए। अच्छा कई बार स्टूडेंट क्या है कि कोई प्रॉब्लम आती है मुझे भेजते हैं, तो वो भाई फोटो भेजे ना इसे पेज नंबर जरूर भेजे, मतलब ढूंढने में दिक्कत आती है। कोई मान लो यहाँ मेरे से कोई, मैं गलती कर सकता हूँ, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, कभी गलती करता हूँ, मान लो यहाँ गलती हो गया, यहाँ वो फोटो खींच के भेज देते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है भाई, मैं तो सैकड़ों भेजा कहाँ ढूंढू मैं, अगर फोटो भेजा ना पूरे भेजा करें यहाँ से, तभी पता पड़े किस पेज पे जाना मेरे को। हाँ तो जब सारे डाटा आपके सामने है, ए एन सी ए जी सब निकालना आपको सिखा, तो मैं ज्यादा डीप में यहाँ जाऊंगा नहीं, तो ये बीटा निकाला मैंने, बीटा आया तो हमारा 1.25316 जो कि 0.7 से कम नहीं है, ओके। साथ साथ में चेक ये भी होता है कि बीटा की वैल्यू एफ यू अपॉन एफ आई इंटू गामा एम अपॉन गामा एम एल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको सॉल्व किया ना तो 1.4432 आया, ओके। यानी हमने जो बीटा निकाला वो 0.7 से ज्यादा है और 1.4432 से कम है, ओके। अब हमने ए एन सी निकाला यहाँ पर 592, ए जी ओ वो सब ये सारे ए एन सी ए जी ओ निकालना सिखाया, मैं यहाँ डी पे नहीं जाऊँगा। सब करके जब मैंने टी डी एन निकाला, वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ 0.9 पुट, कई बार गलती से मेरे से भी एक बार गलती हो गई थी नोट्स के अंदर, बच्चों ने याद दिलाया मेरे को, फॉर्मूला सही लिख दिया लेकिन जब सॉल्व किया ना तो ये 0.9 लिखना भूल गया, यहाँ मैंने 0.9 लिखा हुआ ध्यान है, यहाँ भूला नहीं मैं, लेकिन एक क्वेश्चन में भूल गया था एक क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग कभी मेरे से कोई मिस्टेक होती है ना तो बाकायदा ग्रुप के अंदर मैसेज करके बताया कीजिए, हम उसको सही करेंगे। तो सब कुछ करके निकाला तो ये 313.745 आया, 313.745, और स्ट्रेंथ क्या चाहिए थी मेरे को, 250 चाहिए थी, ओके है ना, ओके। आल्सो आप इससे भी चेक करो, कौन सा फॉर्मूला, वो अल्फा वाला फॉर्मूला टी डी एन, अल्फा ए एन एफ यू अपॉन गामा एम एल, इसमें ए एन क्या होता है, ए एन सी प्लस ए जी ओ, तो ये ए एन सी प्लस ए जी ओ जो है वो 592 + 488 है, ये करके निकाला इससे 283.39, तो भाई 250 से ज्यादा आ गए ना, ये सबसे खतरनाक है ध्यान रखना। कारण क्या है कि इसमें तो, और मैं आपको एक बात और बता दूं, अच्छा हो गया याद आ गया मेरे को, हम जब डिजाइन करते हैं ना तो कई बार क्या है, इसको मैं एक राय दे रहा हूं, मेरी ये राय मानिएगा, डिजाइन में एग्जाम में जब आप सवाल करते हैं, 8 नंबर का सवाल होता है और समय बचा आपके पास में मुश्किल से 16-17 मिनट और एग्जाम का टाइम खत्म होने वाला है, उस केस में मेरी राय है कि आप टी डी एन के लिए ये चेक मत लगाइए, नो नीड ऑफ दिस चेक, अब ये लगा दीजिए बस जस्ट। कारण क्या,
इसमें जो वैल्यू आती है वो नॉर्मली इससे ज्यादा ही होती है। अरे भाई अगर ये जो फॉर्मूला है अल्फा वाला इसमें सेफ है, उसमें सेफ होगा ही, ये पक्का है, ये मेरी राय है, वैसे करने तो सब चाहिए। अच्छा यहाँ एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, कोई बच्चे दिक्कत करते हैं समझने में। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें बीटा वाले का, देखिए एलसी भी है, एलसी बीएस भी है, एलसी भी है। तो बीएस के लिए तो मैंने आपको समझा दिया था, ये अगर आप देखेंगे ना बीएस के लिए पेज 33 फिगर 6, 33 पेज में छठा फिगर है, बीएस के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल माइनस टी। डब्ल्यू होती है लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, जो कि यहाँ 65 है, 65। और सी ये वैल्यू याद करो, वो ये वाली, ये सी 60 माइनस टी थिकनेस ऑफ एंगल, एक क्षेत्र आ गई। एक एलसी भी होता है, एलसी एलसी देखिए हमने कितने बोल्ट लगाए थे, 6 लगाए थे ना, 1 2 3 4 5 6, याद करो जरा। ये कितने बोल्ट थे हमारे, 4.9 से थे ना, हमने 5 बोल्ट लगाए थे, कितने लगाए थे 5। तो यहाँ एक मिस्टेक हो गई मेरे से भाई, ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने, अभी ध्यान गया। यहाँ मैंने 6 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, 5 ही होने चाहिए। तो इससे होगा क्या, थोड़ा चेंज का होगा इसके अंदर फिर, चेंज होगा भाई, या चेंज होगा, 5 बोल्ट थे तो ये 5 ही करने थे ना मेरे को, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो यहाँ ये जो एलसी होता है 5 पिच नहीं होता, 4 पिच, जब बोल्ट 5 होते हैं ना तो पिच 4 ही बनते हैं, तो 4 पिच बनता, तो एलसी थोड़ा कम आता, एलसी थोड़ा कम आता तो ये चीज थोड़ी बढ़ जाती, जो एलसी नहीं आ रहा है ना, और ये चीज बढ़ जाती तो बीटा थोड़ा सा कम आता। बीटा का मतलब यानी कि अभी जो बीटा आपके 1.25316 आया है उसी का थोड़ा सा हो सकता है कि 1.21 1.2 कुछ कम आता। बीटा अगर थोड़ा कम आता तो उस केस में फिर ये आपका जो ये वाला मैटर है, ये वाला टीडीएन वाला, ये थोड़ी सी इसमें फर्क पड़ता, उस केस में कम आता तो टीडीएन भी थोड़ा सा कम होता। तो कम होते हो होता है तो कोई खास बात नहीं होती इसके अंदर कोई ज्यादा। जो हमारे 313 पॉइंट कुछ आया ना, हो सकता है ये 308 309 302 303 कुछ कम आता, लेकिन 285 से भी होता। मिस्टेक है ये, जो भी मेरा वीडियो भी देख रहे हैं वो सज्जन सारे नोट कर ले, सारे स्टूडेंट्स, मैं बाद में इसको करेक्शन करके वापस ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप के अंदर। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 की जगह 5 ही बोर्ड लगाने हैं आपको, और 5 बोल्ट होंगे तो पिच 4 बनेंगे, तो ये 4 पिच होगा तो 4 × 60 240 होगा, 300 जगह यहाँ 240 आएगा, तो सारी वैल्यू बदल जाएगी, ये सब वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। एनीवेज सेव आएगा, ये दिक्कत नहीं, आप लोग इससे कर लेना इसको। नाउ हमने टीडीएन इससे भी निकाला, ये भी सेव आ रहा है। अब लास्ट पता नहीं कैसे मिस्टेक हो जाती मेरे से, एक मिनट यार ध्यान रखते रखते कोई कोई मिस्टेक में कर जाता हूँ नींद के अंदर। हाँ 4.9 से आता है तो 5 ही लिया मैंने, हालांकि अगर आप 6 बोल लो तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है भाई, आपको 5 चाहिए ना, आपने 6 लिए तो नुकसान कहाँ, कोई नुकसान नहीं है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मजबूत होगा, लेकिन 5 कह रहे हो और लगा 6 रहे हो वो गलत है आपको। यहाँ क्या, तो यह 4.9 4.9 सा था ना, अभी कहते 6 6, हम 5 हम तो 6 लगा रहे हैं, हालांकि जरूरत नहीं, क्यों क्यों फालतू खर्चा बढ़ाओ, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन आपके काम आनी सर ये की है तो यहाँ आप इसको
4.97 को 6 कह सकते थे, सारा सही हो गया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपको, मैं इसको कहूंगा 5 है तो 5 ही करो, वो कम हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको कुछ राय देने वाला हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सर ये चेक फॉर ये कौन सा होता है, ये ब्लॉक शेयर के लिए कैसे चेक लगाएं, तो वो अब इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा चेक फॉर ब्लॉक शेयर। अभी आप ये मानो कि ये बोल्ड हमारे 6 लगे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ब्लॉक शेयर में चेक कर रहा हूँ, तीसरा TDB फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों फॉर्मूले होते हैं, या तो यहाँ से या यहाँ से, जो कम होएगा वो माना जाएगा। ये आपका 33 पेज पर 6.4.1 है। अब मैंने एक आपका छोटा सा फिगर बना दिया है, ये एंगल सेक्शन है, ये डबल लाइन क्या शो करती है, ये एंगल ऐसा होता है ना, ये और ये बोल्ड लग रहा है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस ये वाले ये 60 है, ये वाले ध्यान आ गया, वो ये वाले 60 है, ये 40 है। आपको जब मैंने ब्लॉक शेयर समझाया था ना, तब आपको कहा था कि जिधर ये लैग होती है उस साइड में कभी फेलियर नहीं होता, फेलियर होता है क्यों, इधर सपोर्ट मिल रहा है ना इसका, इधर सपोर्ट नहीं मिल रहा, इधर से ये कुछ पूरा पूरा ये पूरा ब्लॉक इसका शेड यानी कट जाता है यहाँ से बोल्ट के साथ साथ में, तो उस केस में ये जो एरिया है ये ब्लॉक शेयर में इफेक्टिव होता है, मतलब उसकी अपीयरेंस यहाँ जाती है इसकी, इस प्रकार से नष्ट हो सकता है ये। अब इसमें FIMO की समस्या नहीं है, गामा MMO की समस्या नहीं है, FIMO की समस्या नहीं है, गामा MLO की समस्या नहीं है, सब डाटा अपन शुरू में लिख चुके हैं, केवल AVG AVN ATG ATN ये चार चीज निकालनी होती है, वो सिखा दो आपको, ये सीखने के बाद ये काम हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होता है, ये जो आखिरी बोल्ट लगा हुआ है जिसके आगे देखो, ये गजर प्लेट है ना, ये यहाँ तक ही है, ये देखो ये गजर प्लेट है, ये वाली पूरी, और ये डॉटेड का मतलब ये एंगल के पीछे की तरफ लगी हुई है, गजर प्लेट यहाँ तक ही है, ये बन गई एज डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, यहां तक ही आना है इस सेंटर तक, और वहां जाना है ठेट तक एंगल के एंड तक, एंगल यहाँ खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे एंगल यहाँ खत्म हो रहा है आपका, और ये दूरी आपको ध्यान रखनी है बस। अब दूरी कैसे निकालोगे, पिच कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, एक्चुअली क्या हो गया कि 6 बोल्ड लगाए ना तो 5 पिच बन गए थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 60 बन जाए 300, और ये थी एज डिस्टेंस, याद करो ई 40 ली थी मैंने, तो ये 340 हो गई। ओके, वैसे बोल्ड हमने 5 लेने थे, उस केस में 60 240 280 होती है। आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोग इसको घर पे करना, और हो सकता है कि ब्लॉक शेयर में ये फेल हो जाए, हो सकता है ब्लॉक शेयर में फेल हो जाए, हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है फेल हो जाए, उस केस में आपको क्या करना है, बोल्ट 6 लगाना है जो मैंने लगाए हुए हैं बस। अब देखिए हम निकालते हैं AVG शेयर के अंदर ग्रॉस एरिया, V मतलब शेयर, G मतलब ग्रॉस, कैसे निकालेंगे ग्रॉस, ये कितनी लंबाई है पूरी इसकी 340, फिलहाल जो मैंने लिए वो बोल रहा हूँ, और मोटा कैसे लेंगे, ये एंगल की, एंगल कितना मोटा है 8 mm, तो 340 × 8 2720 mm का। अब नेट एरिया एंड शेयर AVN, नेट में क्या होता है, आप देखो ध्यान से, ये जो पूरी लंबाई है यहां से लेकर यहां तक कितनी थी 340, इसमें से ये जो सुराग बन रहा है ना बोल्ट के होल, वो जो एरिया है वो कम कर दो, कितने बोल्ट आ रहे हैं, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा, पर ये आधा है, हम यहाँ सेंटर तक ही हैं, पूरे कितने थे 1, 2, 3, 4, 5, तो देखो और आधा कितना हो गया, एक आधा हो गया ना, तब कितने हो गए 5.5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और आधा 5.5, 5.5 को आप 6 में से आधा घटाओ या 5 में आधा छोड़ो, एक ही बात है, मैंने 6 में से आधा घटा दिया,
छह में ज्यादा घटाए 5.5 हो गए और इनटू डी का वाला डायमीटर इसका, क्योंकि हमें सर्कल का डायमीटर उसके तरफ करना पड़ेगा, डी इंटू डी होता है ये, तो 340 माइनस इसका जो डायमीटर था आपका 22 था याद करो, तो 22 को गुणा करेंगे 5.5 से, क्योंकि इसके अंदर 5.5 ही है ना ये। अरे देखो भाई ये देखो, ये 22, ये 22, ये 22, ये 22, ये 22 और ये 11। आप कह सकते हो कि 22 पंजे कितना है, मैं वैसे बता दूं आपको, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 22 पंजे 110 और आधा 11 कितना हो गया 121, और आप देखेंगे 121 ही होगा। आप 6 में से आधा घटाओ कितना होता है 5.5, 5.5 मतलब होता है 11/2, ये 11/2 और इंटू करो आप 22, ये 22 दो से घट जाएगा 11, 11 × 11 कितना होता है 121 होता है ना, ये चीज देखिए आपको करना है यहाँ पर बस। और ये वीएन आ गया, मतलब 340 की जो दूरी थी ना उसमें से सुराख जो थे वो घटा दिया हमने, और सुराख का डायमीटर आपको पता है 22 × 22 करके, फिर ओवरऑल इंटू 8 कर दिया, 8 से गुणा करेंगे एंगल की थिकनेस से, ये तो 1752 आ गया। अब ए टी जी, टी जी में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने आपको, ये टी जी होता है ये वाला, और ये हमेशा 40, क्योंकि वो देखो 60 था, वो 60 था तो 40 होगा ना, तो 40 इंटू एंगल की मोटाई कितनी है 8, 40 × 8 320। और इसके अंदर नेट के अंदर टी मतलब ये होता है, टी का मतलब होता है इसके अंदर आपके टेंशन में एरिया, और वी का मतलब शेयर में, तो टेंशन का एरिया हमेशा जो होता है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो आ रहा था आपके फोर्स के पैरेलल, ये आ रहा फोर्स के परपेंडिकुलर, ये दूरी कितनी है 40 इंटू 8 कर दिया। अब नेट भी क्या होगा, देखिए वहां तो आपके 5.5 बोल्ट घट रहे थे, यहाँ से तो आधे घट रहे हैं ना, ये बस आधे तो बोल रहे हैं आधा, तो क्या करेंगे 40 में से आधा इंटू 22 घटा देंगे, यानी कि 11, उसको 8 से गुणा कर देंगे, तो 232 आ गया, 232 आ गया। और अब कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, सारे जो ये मेन ये चार एरिया होते हैं, इसके बाद ये वैल्यू पुट करनी होती है, और वैल्यू पुट की मैंने तो टी डी वी जो आया, ये दो अलग अलग निकाले मैंने, एक से आया था आपका 425 404.3, एक से आया था 371 327.3, विच एवर इज लेस, ये 371 327.3 कम, ये कम था, ये हो गए। इसको मैंने भाग लगाया 1000 से बनाने के लिए किलो न्यूटन, तो 371.3273 आया, जो कि 250 से ज्यादा है। अब अगर ये बोल्ट आपके 5 होते, हो सकता है 371 नहीं आके, ये हो सकता है 302 308 208, इससे ज्यादा अगर आता है फिर तो कुछ कहने ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कम आ गया तो फिर मामला गड़बड़, अगर मान लीजिए फेल होता है ये, उसके बाद फिर ये होगा आपको बोल्ट 6 लगाने पड़ेंगे, जो मैंने लगा रखे हैं मेरे ख्याल से आपको। अच्छा मेरा तो ये सबसे, मैंने क्या वो गलती से वो बोल्ट 6 मान लिए थे, गलती से 6 मान लिए और इस चक्कर में मैंने उसको सेव कर दिया, 6 मान तो सेफ है ये, स्ट्रक्चर हमारा सेफ है पूरा ये, लेकिन बोलते मुझको 5 चाहिए थे और 5 से काम चल सकता था, मैं 6 क्यों लगा रहा हूँ, महंगा क्यों काम कर रहा हूँ, इसके नंबर कट जाते हैं। तो आप फिर तो समझ जाओ कि 6 के हिसाब से किया मैंने, तो सब कुछ जितने भी मैंने लोड निकाले, इनकी जो कैपेसिटी निकाली, सभी कैपेसिटी 225 था ये, क्योंकि सवाल सब मैं रात को करता हूँ ना, मेहनत सारी जग के करता हूँ। हाँ ये 225 था, ये कितना था 225 ही था, ये नंबर 55 और यहाँ मैंने गलती से लिख दिया इसको, यहाँ पे 250 गलत कर दिया, यहाँ भी 225 ही करना भाई, ये 225 ही है ये। सेव।
हम देखो हर तरह से इसकी स्ट्रेंथ ओके आ रही है। तो अब देखो मैंने फाइनली यूज किया वर्ड हैंस, हैंस प्रोवाइड ISA 100 PSAT 8 at the rate of 9.9 kg per meter as the required tension member। ये आपकी डिजाइन हो गई पूरी। ये मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और आपको मेरी राय है कि एक बार आप बोल्ट बजाय 6 के 5 लें, क्योंकि 5 ही चाहिए थे हमको और वापस अगर ना 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। और एक मेरी राय और भी है, वो ये है आप लोगों से जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए, आप ये 2 एंगल और ट्राई करना है, 90-60-8 और 125-75-6, और इससे भी निकालें। और अगर ये आपका जो है 11.66 वाला ये सेव आ जाता है तो उस केस में सबसे अच्छे नंबर इसी में नहीं आता, बोल्ड आपको 5 लगाने हैं। ये बोल्ड संख्या तो हम पहले ही निकाल चुके थे, बोल्ड की संख्या तो हमने पेज नंबर ये 57-58 नंबर ऑफ बोल्ड का वो फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, हमने सबसे पहले बोल्ड निकाला था ना, उसके बाद ये नया डेटा वगैरह निकाला था। बोल्ड वाला मामला ही आ गया था आपका 56-57 जी, बोल्ड वाला मामला आ गया था यहाँ पर। और यहाँ हमने फिर वो नया डेटा निकाला था ना, इसलिए बोल्ड तो हमारे 6 ही रहेंगे, नहीं सॉरी 5 ही रहेंगे, एंगल चेंज हो जाएगा बार बार। तो आप ये 2 और ट्राई कर लीजिएगा और मुझे रिपोर्ट करो। जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे हैं वो सभी काम करेंगे, मुझे रिपोर्ट करो कि भाई क्या रहा, अगर बाकी 2 एंगल करते तो वो कितना लोड लेते, और ये जो मैंने किया इसमें अगर मैं 5 लगाता जो कि चाहिए थे तो क्या फर्क पड़ता। और पूरी आशा है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।